A very pleasant good morning to all the students. I am Rashmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. And dear students, welcome back to our YouTube channel. And today in our science class, we will start with the class 5th. And today we will revise chapter number 3rd. And chapter number 3rd is movement and breathing of animals. आज हम new chapter revise कर रहे हैं chapter 3rd और इसमें हम क्या revise करेंगे movement and breathing of animals. जो animals में movement होता है गतिविधि होती है और breathing जो सांस लेते हैं वो कैसे breathe करते हैं और कैसे movement करते हैं different animals. आज हम word meaning और question answers revise करेंगे इस chapter के. Okay students, so let's we get start. We will start word meaning of chapter 3rd. Okay, let's revise. First is breathe. B-R-E-A-T-H-E. Breathe means क्या होता है? सांस लेना. जब हम breathe करते हैं इसका मतलब जो oxygen हमारे अंदर जाती है किसके through? Nostril के through. तो वो क्या होती है? उसका मतलब क्या होता है? Breathe कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं. Okay, next is offspring. O-F-F-S-P-R-I-N-G. Offspring means क्या होता है? संतान. ठीक है, next shelter. Shelter means क्या होता है? Shorn. S H E L T E R shelter. Shelter means क्या होता है? Shorn. Next is galloping. G A double L O P I N G galloping. Galloping means क्या होता है? दौड़ने वाला. ठीक है, padded. P A double D E D padded. Padded means क्या होता है? गुदगुदा. ठीक है, जो soft होता है उसको क्या कहते हैं? Padded. गुदगुदा, गुदेदार जो होते हैं. नेक्स्ट इज वेब्ड. डब्ल्यू ई डबल बी ई डी. वेब्ड मीन्स क्या होता है? जाल के समान. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनके जो पैर होते हैं लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड फिट होते हैं. ठीक है, वो उनको क्या कहते हैं? जाल के समान. मूवमेंट एम यू एम ओ वी ई एम ई एन टी. मूवमेंट मीन्स क्या होता है? गतिविधि या फिर चाल. अगर किसी की चाल बतानी हो तो हम क्या बोलेंगे? इसका मूवमेंट है. ठीक है, लिम्ब. लिम्ब मीन्स क्या होता है? एल आई एम बी. लिम्ब. लिम्ब मीन्स क्या होते हैं? अंग. ठीक है, जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिससे हम मूवमेंट करते हो क्या होते हैं? लिम्ब. नेक्स्ट फ्लैप. एफ एल ए पी. फ्लैप मीन्स क्या होता है? फड़फड़ाना. जो बर्ड्स करते हैं फ्लैपिंग करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? फड़फड़ाना. नेक्स्ट क्रैवल. सी आर ए डब्ल्यू एल. क्रैवल मीन्स क्या होते हैं? रेंगना. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्रैवल करके चलते हैं, रेंग के चलते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रैवल. ठीक है, नेक्स्ट बीटल. बी डबल ई टी एल ई एस. बीटल्स मीन्स क्या होता है? भोरा. बैड बग्स. बी ई डी बैड. बी यू जी एस बग्स. बैड बग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? खटमल. लाउस. एल आई सी ई. लाउस क्या होती है? जू. ठीक है, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? आई एन एस ई सी टी एस. इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 3rd एंड यू विल लर्न. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल रिवाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लिम्स ऑफ लैंड एनिमल्स. आपको क्या डिस्क्राइब करना है? जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जो जमीन पे जानवर रहते हैं, उनके लिम्स कैसे होते हैं? आंसर, एनिमल्स ऑन लैंड हैव फोर लिम्स. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके कितने लिम्स होते हैं? फोर लिम्स होते हैं. ओके, किस और इनका यूज़ कैसे करते हैं वो? द टू इन फ्रंट. टू जो लिम्स होते हैं, टोटल फोर होते हैं, और जो टू होते हैं वो फ्रंट में होते हैं इनकी बॉडी के, आर कॉल्ड फोर लिम्स. उनको क्या कहते हैं जो फ्रंट में होते हैं? फोर लिम्स कहते हैं. जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका, दोनों का सेम नेम है, फ्रंट में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोर लिम्स बोलते हैं. एंड द टू एट द बैक, और जो बैक में होते हैं पीछे की साइड होते हैं उनको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड हिंड लिम्स. उनको हिंड लिम्स कहते हैं. ओके, तो ये क्या हो गए? फोर लिम्स हो गए. टू फ्रंट में होते हैं, टू बैक में होते हैं. सम एनिमल्स यूज ऑल द फोर लिम्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो चारों के चारों लिम्स का यूज़ करते हैं, और किस लिए करते हैं इनका यूज़? टू रन, हुप, दौड़ने के लिए, उछलने के लिए और चलने के लिए. वेल, सम यूज़ दियर लिम्स टू स्विम और
ब्यूरो। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने लिम्स का यूज़ कहाँ करते हैं, स्विम करने में, तैरने में, और गड्ढा खोदने के लिए हेल्प करते हैं अपने लिम्स का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ। जो वेल और डॉल्फिन्स होती हैं, फिश होती है, वो ब्रीथ कैसे करती है, सांस कैसे लेती है? आंसर, दे हैव लंग्स। उनकी बॉडी में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। लंग्स मीन्स क्या होता है, फेफड़े। एंड दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। और वो क्या करती है, जो वाटर का सरफेस होता है वहाँ पर आती है, टू इनहेल ऑक्सीजन। क्या करने के लिए आती हैं, ब्रीथ करने के लिए, अपने बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करने के लिए। बट दे एक्सल कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दियर नोस्टिल। जैसे हमारे नोस्टिल्स होती है, होल्स होते हैं नोज में, वैसे ही उनके भी क्या होती है, नोस्टिल्स होती है इन, ठीक है। और वो क्या करते हैं नोस्टिल के थ्रू, इन द वाटर, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। ओके, तो जब इनहेल करते हैं तो वो सरफेस पे आ जाते हैं वाटर के, और जब उनको एक्सल करना होता है, अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना होता है, तो वो पानी के अंदर ही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यू विल लर्न टू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर SST क्लास ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 5th, टुडेज अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 18, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं या मूल जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डू दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड। फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड क्या है हमारा, फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल। सेकंड है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है एक्सप्लोइटेशन, EXPLOITATION, एक्सप्लोइटेशन। फिफ्थ है स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल। सिक्स है ओबलाइजेशन, OBLIGATION, ओबलाइजेशन। सेवन्थ है माइनॉरिटीज, MINORITIES, माइनॉरिटीज। एट्थ है कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी। नाइन्थ है रिलीजन, RELIGION, रिलीजियन। टेंथ है नेशनल, NATIONAL। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल। सेकंड है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है एक्सप्लोइटेशन, EXPLOITATION, एक्सप्लोइटेशन। फिफ्थ है स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल। सिक्स्थ है ओबलाइजेशन, OBLIGATION, ओबलाइजेशन। सेवन्थ है माइनॉरिटीज, MINORITIES, माइनॉरिटीज। एट्थ है कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी। नाइन्थ है रिलीजियन, RELIGION, रिलीजियन। और टेंथ है नेशनल, NATIONAL। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट हमारा वर्ड है फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल मीन्स मौलिक। सेकंड है नेशनल, NATIONAL, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। थर्ड है पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। फिफ्थ है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक। सिक्स्थ है रिलीजियन, RELIGION, रिलीजन, रिलीजन मीन्स धर्म।
सेवन्थ है एक्सप्लॉयटेशन, EXPLOYTATION, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण। एट्थ है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। नाइन्थ है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। टेंथ है कल्चर, CULTURE, कल्चर मीन्स संस्कृति। और हमारा इलेवंथ है कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी मीन्स हस्तलिपि। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा वर्ड, फंडामेंटल, फंडामेंटल का मीनिंग होता है मौलिक। सेकंड है नेशनल, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। थर्ड है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। फिफ्थ है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक। सिक्स्थ है रिलीजियन, रिलीजियन मीन्स धर्म। सेवन्थ है एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण। एट्थ है एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। नाइन्थ है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। टेंथ है कल्चर, कल्चर मीन्स संस्कृति। और इलेवेंथ है कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मीन्स हस्तलिपि। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड मीनिंग्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दीज वर्ड मीनिंग्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर फेयर नोटबुक, शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ बाला मैम फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट अवर मैथ ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास फिफ्थ। एंड डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास वी हैव डन अवर एक्सरसाइज 8.3, नाउ वी डू अवर एक्सरसाइज 8.5। ओके स्टूडेंट बेटा, 8.4 में हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम है, उसको हम बाद में कराएंगे। तो पहले हम 8.5 करा रहे हैं जिसमें हमारी वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन हैं। तो सो नाउ वी स्टार्ट। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, सो नाउ वी स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 7 × 2/11। बेटा 7 के नीचे हमारे पास फ्रैक्शन में कोई डिजिट नहीं दिया है, 2/11 दिया है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे हम 7 के नीचे क्या मानेंगे, 1। 7/1 × 2/11। तो बेटा अब हमें इनको कट करना है, ऊपर नीचे या क्रॉस में कोई डिजिट भी कट नहीं हो रही है, तो हम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमेटर का डिनोमेटर से। 7 का 2 से करेंगे हम 14 और 11 का 1 से करेंगे तो 11। हमारा आंसर क्या आ गया, 14/11। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई में हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 × 4 = 8, 8 में 1 प्लस किया 9, 9/2 मल्टीप्लाई 6 के नीचे हमारा कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1। अब देखिए बेटा, ऊपर नीचे या क्रॉस में कोई नंबर कट हो रहा है, तो बेटा देखो यहाँ पर 2 से 6 कट हो रहा है, तो 2 को 2 की टेबल में 2 बन जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब ये नहीं कि 3 को 9 से कट नहीं करना क्योंकि इनके बीच तो मल्टीप्लाई, अगर हमें कट करना होगा तो सिर्फ हम ऊपर नीचे और क्रॉस में ही कट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट नहीं करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से ऐसे कट करना है। अब हमारा कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 = 27, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अगर आप 1 को लिखते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इसमें क्या है बेटा, दोनों डिजिट गिवन है, मैं इसका फर्स्ट डी पार्ट करके दिखा रही हूं आपको। सो ना अवर क्वेश्चन है 9/10, इसको आपने आंसर में अगेन राइट करना है 15/4। देखिए बेटा अब हमें इनको कट करना है, अगर कोई नंबर आपस में कट होता है तो देखें 9 10 कट नहीं होता, 15 और 4 भी कट नहीं होता, 9 और 4 कट नहीं होता, फिर 15 और 10 आपस में दोनों 5 की टेबल से कट हो रहे हैं, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 3 =। अब देखिए बेटा ना तो 3 से 4 कट हो रहा है, 9 से 2, मतलब न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर तो हम कट करेंगे नहीं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट नहीं करेंगे, पर क्रॉस में कोई भी कट नहीं हो रहा तो हम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 3 = 27, डिनोमिनेटर नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8। अब ये दोनों भी आपस में कट नहीं होते, सो अवर आंसर इज 27/8। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर जे इज, इसमें हमारा बेटा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 7 की टेबल 15 तक पढ़नी, तो 7 की टेबल 15 तक नहीं होती तो हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 105 को में हम 3 प्लस कर देंगे तो 108/7 मल्टीप्लाई, ये सिंपल फ्रैक्शन है तो हम इसको एज इट इज राइट कर देंगे।
अब देखना हमें कि कोई नंबर आपस में कट हो रहा है, तो देखो बेटा सेवन से सेवन कट हो रहा है, सेवन वन जा सेवन एंड सेवन वन जा सेवन। अब 108 नाइन से कट हो रहा है, नाइन वन जा नाइन, इसको कट करेंगे तो नाइन वन जा नाइन और नाइन टू जा, तो हमारा आंसर आ गया 12। 12 का 1 से मल्टीप्लाई किया 12 और 1 का 1 से किया तो 1। आप 1 को नीचे राइट भी कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो आपका आंसर ठीक है। तो बेटा मिक्स फ्रैक्शन में है या सिंपल फ्रैक्शन में, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो आप इजीली इनको सोल्व करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि कोई नंबर क्रॉस में कट हो रहा है, मतलब न्यूमिरेटर से डिनोमेटर को कट करना है। न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर को कट नहीं करेंगे, डिनोमेटर से डिनोमेटर को कट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड ऑफ। फाइंड करना है हमें, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। और पार्ट ए है 3/8 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 80। तो बेटा देखिए, अब ऑफ को हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। अब हमें इसको कट करना है, 80 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1। अब हम इसको कट कर देंगे, 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80। अब 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 आप राइट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी करते हैं तो भी ठीक है। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर के। आवर क्वेश्चन नंबर के मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 10 2 जा 20, 20 में 3 प्लस किया 23/10। ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। और 40, 40 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1 हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। अब हमें देखना है कि क्रॉस में कोई भी नंबर कट हो रहा है ऊपर नीचे, तो हमारा 10 और 40 का कट हो रहा है, 10 1 10 और 10 4। अब कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा तो हम 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 4 जा 92/1। 1 को आप राइट भी करते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी करते हैं तो भी ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बेटा रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेटा इसमें भी है तो मल्टीप्लीकेशन की, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझे। अब इसमें आप सोल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फिल करना क्या आएगा, तो हम इसका आंसर करेंगे 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई और रुपीज 1, और हमें आंसर निकालना है पैसे में, तो आप साइड में लिख देंगे 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं आपके? 100 पैसे, तो हम यहां पर 100 कर देंगे मल्टीप्लाई 100। 100 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम क्या रखेंगे? 1। अब इसको इससे कट करना है 4 से, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया तो अब इसको कट करना है, तो हमें जब इसको करेंगे तो 4 से कट होगा तो 25, तो इसका मतलब हमारे पास कितना आंसर आ गया? 25 पैसे। तो जहां यहां पर हमने जो फिलअप्स भरना था, यहां पर हमारा आएगा 25 पैसे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास 7/10 ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, फिलअप्स दिया है और मीटर में हमें आंसर फाइंड आउट करना है, तो हम आंसर करेंगे 7/10 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हमें 1 किलोमीटर को आंसर में मीटर में फाइंड आउट करना है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, तो हम इसको साइड में बॉक्स में दिखा देंगे और हम यहां पर 1 किलोमीटर की जगह हम 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है मीटर। अब हमें इनको कट करना है, तो 10 से 10, अब ऊपर क्या बच गया? 100, और ऊपर बच गया 7, नीचे तो 1 ही बचा है, 1 से तो कट ही नहीं होता कुछ भी, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 मीटर, तो हमारा फिलअप्स में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 700 मीटर। ओके स्टूडेंट, बेटा बहुत ही इजी है। तो ये अपने रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, जैसे यहाँ पर दिए हैं 50, तो बेटा इसका आंसर हमें रुपीज में फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, रुपीज के रुपीज में रहेंगे, 1 मतलब हम सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, 30 रुपीज आ जाएगा हमारा। 2/5 ऑफ 1 kg, आंसर हमें ग्राम में निकालना है, तो ग्राम में निकालना है तो हम केजी को सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1 kg में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा है डी पार्ट, 4/5 ऑफ 1 मीटर, मीटर हमें आंसर निकालना है सेंटीमीटर में, तो हम साइड में लिखेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 11/20 ऑफ 1 लीटर, हमें आंसर निकालना है 1 मिलीलीटर में, तो लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000, तो हम करेंगे 11/20 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर, जब कट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा मिलीलीटर में आएगा। सो डियर स्टूडेंट, आपने रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 8.5 के खुद करने हैं, बहुत ही इजी है, ताकि आप अच्छे से कर पाए तभी आप वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। और बेटा 8.4 एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम की है, प्लस माइनस ही है, हम इसको बाद में वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे जब मल्टीप्लाई डिवाइड की जब एक्सरसाइज होगी वर्ड प्रॉब्लम की, तो उसके साथ कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इजी क्वेश्चन करा रही हूं ताकि आप इनको अच्छे से समझ सके, फिर लास्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ। और डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करना, ये आपके
होमवर्क है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ क्लास, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई एम सिमरन मैम, योर इंग्लिश टीचर। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग ऑफ चैप्टर 9। अवर चैप्टर नेम मिदास गोल्डन टच। एंड नाउ इन दिस क्लास विल स्टार्ट अवर सेकेंड पार्ट ऑफ रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड इट्स एक्सरसाइज पार्ट ए। सो लेट्स स्टार्ट। मिदास इन सरप्राइज, वट दिस गोल्डन टू, ओ नो वट आई वेल आई इट। जब उसने अपने ब्रेकफास्ट को टच किया तो वो क्या हो गया, गोल्ड का बन गया। और फिर वो कहता है ओ नो वट आई वेल आई इट, मैं अब क्या खाऊंगा। एंड ड्रिंक नाउ, मैं क्या करता हूँ, पीता हूँ। एंड इफ़ आई डोंट ईट एंड ड्रिंक, लेकिन वो क्या कर सकता है कि ना तो कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है, क्योंकि वो जिस चीज़ को भी टच करता है वो क्या हो जाती है, गोल्ड की हो जाती है। हाउ विल रिमेन अलाइव, सेम्स आई हैव पुट माई सेल्फ इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि मैं खुद ही अपनी एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गया। ओ गॉड आई नेवर थॉट ऑफ इट बिफोर, मैंने पहले इसके बारे में नहीं सोचा। इन द मेन टाइम हिज डॉटर मैरी गोल्ड सोज अप, और इसी वक्त जो उसकी डॉटर है मैरी गोल्ड वो उसको देखती है। मैरी गोल्ड, गुड मॉर्निंग डैड, वाई आर यू लुकिंग सैड, आप इतना दुखी क्यों दिख रहे हो, उदास क्यों दिख रहे हो। इज देयर समथिंग रॉन्ग विद यू, मे आई हेल्प, क्या आपके साथ कुछ गलत है, आप मुझे बताइए मैं आपकी हेल्प करूँ। मिदास, कम कम माई डार्लिंग, एट दिस मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस योर प्रेजेंस इज ग्रेट सोर्स ऑफ कम्फर्ट टू मी। कम कम माई डॉटर, इस मोमेंट में स्ट्रेस में था, लेकिन आपकी प्रेजेंस ने मुझे क्या कर दिया, कम्फर्ट महसूस करवाया है, फील करवाया है। ही एम्बैरेसेस हर एंड द नेक्स्ट मोमेंट सी टर्न्स इनटू अ शूट ऑफ गोल्ड। मिदास, ओ डैमन व्हाट हैव आई डन टू माय अवन डॉटर लाइव, बट एज गुड डेड, नो आई डोंट वांट माय गेयर। वो क्या कहती है, फिर क्या हुआ फादर, वो अपने फादर को क्या कहती है कि आप मेरे नहीं, मैं आपकी डॉटर हूँ, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, आप मुझे बताइए क्या दिक्कत है। लेकिन वो अपनी डॉटर को भी क्या करना है, वो टच नहीं करना चाहता, क्यों, बिकॉज आई डोंट वांट माई मैरी गोल्ड टू बी अ गोल्ड। वो चाहता है कि मेरी जो बेटी है वो गोल्ड में, मैं उसे चेंज होता हुआ नहीं दे सकता। बट एज सी यूज टू बी आई गेव यूअर गोल्डन टच विच यू कुड हैड बीन यूज टू ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर अदर्स। उसने बताया कि उसे गॉड ने ये वरदान दिया था, बूंद दिया था, कि वो गोल्डन टच का बूंद दिया था, और उसने कहा था कि आप इससे भी हैप्पी रहें या और मतलब इस चीज़ से आप औरों को भी हैप्पी रखें। बट यू वेंट मेड विद इट नाउ फील हैप्पीनेस इन यूअर लाइफ बाय गिविंग इट इज़ नीडी वंस। लेकिन उस टाइम पे मैं मतलब क्या था, वो मैड हो गया था, क्योंकि इस चीज़ से उसे हैप्पीनेस मिल रही थी लेकिन काफ़ी टाइम तक उसे हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। हेल्प मी गॉड, वो बोलता है मुझे मेरी हेल्प करो, हेल्प मी आई कांट बियर इट एनी लॉन्गर, मैं इसे लंबे समय तक नहीं रख सकता। आई एम फुल ऑफ ग्रिप, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। द एंजल रीअपियर्स, वो एंजल आती है वापस। एंजल, हेलो मिदास माई फ्रेंड, यू सीम इन ट्रबल, तुम डरे हुए से दिख रहे हो। डिड नॉट द गोल्डन टच मेक यू हैप्पी, क्या तुम्हें गोल्डन टच हैप्पी नहीं हुआ। डिड यू ब्रिंग गोल्डन ग्लोरी एवरीवेयर, और तुम्हारे आसपास तो सारा क्या है, गोल्डन का ग्लोरी दिख रहा है। मिदास, सर्टेनली नॉट, ओ होली एंजल आई वॉज हैप्पी विदाउट इट, मैं इसके बिना हैप्पी रहूँगा। या हैप्पी
रह सकता था. आई कुड ईट एंड ड्रिंक अर्लियर बट आई एम डाइंग हंगर नाउ. मैं कुछ भी खा पी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं जिससे उसको भी टच करता हूँ वो क्या हो जाती है, गोल्ड की हो जाती है और उसे भूख लग रही होती है. लुक एट माई डॉटर डियरेस्ट ऑफ ऑल आई सेट यू नाउ. प्लीज़ टेक दिस गोल्डन टच अवे आई प्रे टू यू. बोलता है कि मेरी डॉटर है, मैं इसे टच भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसे टच करूँगा तो क्या हो जाता है, ये भी गोल्डन में चेंज हो जाएगी. तो क्या आप इस गोल्डन टच को वापस ले जाइए, मैं आपसे प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ. एंजल स्माइलिंग बी आ बेट मोर वाइजर. गोल्ड इज नॉट द ओनली थिंग दैट मेक योअर लाइफ. चलो तुम्हें पता चला कि जो एक गोल्डन टच ही नहीं है, एक धनी नहीं होता जो कि लाइफ में आपकी लाइफ को बेटर बनाए. मिदास श्योरली आई विल डू इट बट रीड मी ऑफ द गोल्डन टच प्लीज़. वो बोलता है कि श्योरली मैं समझ गया लेकिन प्लीज़ आप कृपया करके ये गोल्डन टच मुझसे ले लीजिए. एंजल फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू द रिवर इन योर गार्डन बॉथ इन इट्स वाटर एंड ऑल्सो स्प्रिंकल इन इट यूअर डॉटर एंड ऑल दैट यू टर्न टू गोल्ड. वो कहता है कि आप जाइए अपने रिवर, अपने गार्डन के रिवर में जाइए और उसमें स्नान कीजिए और उसमें डुबकियाँ लगाइए, आपका जो गोल्डन टच है वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा. सेइंग दिस द एंजल वेंशेस मिदास राइजेस टू गो द रिवर. मिदास ओ माई गॉड यू सेव्ड मी फ्रॉम ग्रेट ट्रबल. फिर वो उसे थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे बहुत बड़े डर से बचा लिया. नाउ आई विल गो टू द रिवर एंड डू अस द होली एंजल हैज़ आस्क्ड टू मी डू. वो बोलता है कि मैं अपने गार्डन के रिवर में जाऊंगा और जैसे आपने कहा है मैं वैसे ही करूंगा. द कर्टन ड्रॉप्स. पर्दा क्या हो जाता है, गिर जाता है. एंड हमारी रीडिंग पार्ट है वो कम्प्लीट हो चुका है. And so let's start our part A exercise. Choose the correct option. First, King Midas was the king of. किसका king था वो? Persian no, Pollen no, Phrygia. तो किसका था? Phrygia. C part क्या हो जाएगा? C option क्या हो जाएगा? हमारा correct हो जाएगा. Second है King Midas was very fond of blank. Gold, B diamond, C silver and D bronze. तो किसका? Gold का. ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट. थर्ड है द एंजल हैड गोडली ब्लैंक. ए क्लॉथ्स, बी फेस, सी पोजिशंस एंड डी पावर्स. तो क्या था उसके पास? एंजल के पास पावर्स. फोर्थ द एंजल गेव मिदास द बोन ऑफ गोल्डन ब्लैंक. ए कॉइन्स, बी पैलेस, सी टच एंड डी क्लॉथ्स. तो किसका दिया था उसने? टच का. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. एंड सो स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड सेकेंड पार्ट ऑफ रीडिंग एंड इट्स एक्सरसाइज पार्ट ए एंड रीडिंग पार्ट रिवाइज इन योर बुक एंड एक्सरसाइज पार्ट राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा पाँचवीं में मैं करा रही थी निबंध और आज के हमारे निबंध का टॉपिक है दया की देवी मदर टेरेसा. ठीक है, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त सन 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था. उन्हें दया और प्रेम का प्रतीक माना जाता है. इनका वास्तविक नाम एग्निस गोना बोजाहिउ था. बचपन से ही इनका मन दया से भरा था. 18 वर्ष की उम्र में ही ईसाई सन्यासिनी बन गई. वे 18 वर्ष की उम्र में ही ईसाई सन्यासिनी बन गई. ठीक है, कुछ समय बाद मदर टेरेसा भारत आ गई और यहाँ की नागरिकता ले ली. वे भारत के कोलकाता नगर में रहकर पढ़ाने का काम करने लगी. बीमारों और असहायों को देखकर
उनका मन दया और करुणा से भर उठता था। उन्होंने इन लोगों की सेवा करने की ठान ली। उन्होंने विद्यालय के बाद बेसहारा लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। उनको विद्यालय की प्रधानाचार्य बनाया गया, लेकिन प्रशासनिक कार्य उनके सेवा कार्य में बाधा डालने लगे। इस कारण उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी लगन से मानव सेवा में जुट गई। सन 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था बनाई। वे संसार के अनाथ लोगों की माँ बन गई और मदर टेरेसा के नाम से जानी जाने लगी। सन 1979 में उन्हें शांति के लिए नोबल पुरस्कार और 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को संसार से विदा हो गई। एक बार फिर देखिए, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त सन 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। उन्हें दया और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इनका वास्तविक नाम एग्नेस गोन्हा बोजाहिव था। बचपन से ही इनका मन दया से भरा था। वे 18 वर्ष की उम्र में ही ईसाई सन्यासिन बन गई। कुछ समय बाद मदर टेरेसा भारत आ गई और यहाँ की नागरिकता ले ली। वे भारत के कोलकाता नगर में रहकर पढ़ाने का काम करने लगी। बीमारों और असहायों को देखकर उनका मन दया और करुणा से भर उठता था। उन्होंने इन लोगों की सेवा करने की ठान ली। उन्होंने विद्यालय के बाद बेसहारा लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। उनको विद्यालय की प्रधानाचार्य बनाया गया, लेकिन प्रशासनिक कार्य उनके सेवा कार्य में बाधा डालने लगे। इस कारण उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी लगन से मानव सेवा में जुट गई। सन 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था बनाई। वे संसार के अनाथ लोगों की माँ बन गई और मदर टेरेसा के नाम से जानी जाने लगी। सन 1979 में उन्हें शांति के लिए नोबल पुरस्कार और 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को संसार से विदा हो गई। तो बच्चों, ये मैंने आपको जो निबंध कराया है दया की देवी मदर टेरेसा, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इसे लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।